सीगल इंडिया कल आए इसके नतीजे और मजबूत नतीजे दिख रहे हैं। हालांकि लिस्टेड कंपनी है और आय में रही है 26% की बढ़त, पहुंचा है आंकड़ा 822 करोड़ पर। मार्जिन 13.5% से 17.5%, अच्छा इंप्रूवमेंट है। और मुनाफे में बढ़त दिख रही है करीबन 80% की, और ये मुनाफे का आंकड़ा पहुंचा है 79 करोड़ के 80 करोड़ के आसपास पहुंचा हुआ दिख रहा है। ये है आंकड़े आपके लिए सिगल इंडिया के। पेटीएम सेबी ने कारण बताओ नोटिस जो भेजा है उस पर कंपनी की सफाई आई है। ये कोई नया मामला नहीं है, पिछली तिमाही के नतीजों पर कोई असर नहीं होगा, ये कंपनी का कहना है। ओके, कुछ सेक्टर पर रखिए नजर। एविएशन पेंट टायर जो कच्चे तेल के उठापटक से प्रभावित होता है, कच्चा तेल उछलकर अब 81 डॉलर पहुंच गया। दो दिन में बड़ा उछाला है। तो 75-76 डॉलर से 81 डॉलर की यात्रा करता हुआ थोड़ा दबाव तो बनेगा। फंड रेजिंग कर रहा है जीपीटी इंफ्रा, कल क्यूआईपी खुला है। क्यूआईपी का जो फ्लोर प्राइस है वो 183.83 पर रखा गया है, 1.5% के डिस्काउंट पर ये फ्लोर प्राइस दिया गया है। जायडस लाइफ साइंस जो कल हमने स्टॉक ऑफ द डे भी दिया था, स्टॉक काफी अच्छा खासा घटा भी है। और टेवा को जो जेनरिक वर्जन की मंजूरी मिली है एस्कॉट एचडी नाम की दवा का, उस पर कंपनी की तरफ से स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा बिल्कुल सेल्स और मुनाफे पर असर पड़ेगा, लेकिन उनका ये कहना है कि हमने वित्त वर्ष 2025 का जो इबिटा गाइडेंस दिया था उसमें हमने इसको फैक्टर इन किया हुआ है। एचयूएल आईटी डिपार्टमेंट मुंबई से इन्हें 963 करोड़ का डिमांड नोटिस मिला है। जीएसके के जो एक्विजिशन किया था उस समय टीडीएस नहीं भरने की वजह से डिमांड नोटिस भेजा गया है। लेमन ट्री, कोई हफ्ता ऐसा ना जाता हो जिस हफ्ते में इनके लिए एक दो खबरें कम से कम ना आती हो। फिर से एक खबर आई है, कंपनी ने अयोध्या में होटल के लिए नई प्रॉपर्टी का लाइसेंस एग्रीमेंट किया, उसकी भी खबर दी उन्होंने, और वित्त वर्ष 2028 तक ये होटल शुरू होने की उम्मीद है। मेडी असिस्ट ये अपनी सब्सिडरी पैरामाउंट टीपीए में पूरा हिस्सा खरीदेगी, फेयरफैक्स और अन्य लोगों से खरीद रही है हिस्सा। 311 करोड़ की एंटरप्राइज वैल्यू पर ये डील हो रही है। ओके, और मेड प्लस हेल्थ सर्विसेज आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने यहाँ खरीदे हैं 51 लाख शेयर, और गवर्नमेंट सिंगापुर ने भी 11.5 लाख शेयर खरीदे, तो बड़े फंड्स की खरीदारी। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने भी कल की बड़ी डील में बड़े फंड्स ने खरीदी है हिस्सा। डीएसपी म्यूचुअल फंड ने 1 करोड़ शेयर्स खरीदे हैं। इसके अलावा मॉर्गन स्टैनली, सिटी ग्रुप, सोसाइटी जनरल और बोफा ने भी कई शेयर्स यहां पर खरीदे हैं। ये है आज के टॉप 10 स्टॉक्स।